अगर आपको भी अपने डेल के लैपटॉप में नो बूटेबल डिवाइसेस का एरर आ रहा है, ठीक है, आपका जो लैपटॉप है बूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जब भी आप इसको ऑन कर रहे हैं, तो कैसे इसको फिक्स करना है इसके ऊपर ही पूरी वीडियो है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको पहले शट डाउन कर देना है, ठीक है। प्रेस एंड होल्ड करेंगे पावर की को और ये जो है लैपटॉप का शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका बायो सेटिंग्स होता है उसको ओपन करना है, ठीक है। तो डेल लैपटॉप के अंदर अगर आप F2 जो की है फंक्शन की, इसको प्रेस करेंगे ना, तो आपका बायोस जो सेटिंग्स होती है वो ओपन होता है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे आपने करना है। आपने पहले पावर ऑन करना है अपने लैपटॉप को, पावर ऑन हुआ उसके बाद आपने कंटिन्यूसली F2 जो की है इसको प्रेस करना है, ठीक है, और इससे जो है आपका जो बायोस सेटिंग्स होती है वो ऑन हो जाएगा। कंटिन्यूसली प्रेस करना है आपने और ये देखिए आपका बायोस मेन्यू जो है वो ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बूट सीक्वेंस के अंदर, ये बूट सीक्वेंस का ऑप्शन है और यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे जो बूट सीक्वेंस है वो ओपन हो गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो UEFI मोड सेलेक्ट हो रखा है ना, इसको आपने लेगेसी में चेंज कर देना है। आपने लेगेसी वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, लेगेसी मोड सेलेक्ट कर लिया मैंने। दूसरा आपने क्या चीज़ चेक करनी है, जो आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क है ना, ये देखिए यहाँ पे मेक श्योर कि इस पर टिक होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ये अनटिक हो रखा है ना, तो आपने इसको टिक कर देना है, ठीक है। और जो तीसरा स्टेप आपने क्या लेना है, इस हार्ड डिस्क को ना आपने फर्स्ट बूट बनाना है, तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करोगे और इसको अप एरो पे क्लिक करोगे तो ये हार्ड डिस्क टॉप पे आ जाएगी। तो ये सारी सेटिंग करके आपने उसके बाद अप्लाई जो यहाँ पे देख रहे हैं हम, अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने इसको एग्जिट कर देना है, आपका जो लैपटॉप है अब रीस्टार्ट होगा और आप देख सकते हैं मेरा जो इश्यू है सॉल्व हो गया, मेरी जो विंडो है लोड होना स्टार्ट हो चुकी है।